गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन एंड यू आर एट होम इन लास्ट वीडियोज वी हैव डिस्कशन अबाउट रेट होल माइनिंग रेट होल माइनिंग का मीनिंग हम लोग डिफाइन कर चुके लास्ट वीडियोज में नाउ वी हैव टू बी कंटिन्यू अवर टॉपिक एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फेरस मिनल इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो नाउ डिस्कशन अबाउट फेरस वी हैव स्टडी अबाउट दी डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स एंड वी हैव आल्सो स्टडी अबाउट फेरस मिनरल इन दिस वीडियोस वी हैव स्टडी अबाउट फेरस मिनल मिनरल हिंदी में इनको हम लोग लोखनीज कहते हैं फेरस मिनल आर दोस मिनरल्स व्हिच कंटेन आयरन और इज फेरस फेरसमिनल ऐसे मिनरल जिसमें नाम से स्पष्ट है लो खनिज ऐसे मिनरल यानी कि जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं लोहे की मात्रा पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं फेरस मिनल यहां पर आप लोग रिमेंबर रखेंगे इंट्रोडक्शन में फेरस मिनल अकाउंट अबाउट थ्री फोर्थ ऑफ दी यानी कि यहां पर थ्री फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है थ्री फोर्थ ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दी मेटेलिक मिनरल्स यानी कि जो मेटेलिक मिनरल्स है उसमें अगर हम लोग फेरस मिनरल की बात करें इनका जो अकाउंट है वो कितना है थ्री फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉग बेस फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ मेटेलिक इंडस्ट्री इंडिया एक्सपोर्ट सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ फेरस मिनरल आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड कहते कि इंडिया की अगर हम बात करें आयरन ओर में इंडिया का अच्छा नाम आता है और काफी सारी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद इंडिया क्या करता है जो एक्स्ट्रा आयरन ओर होता है उसको एक्सपोर्ट भी करता है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग आयरन ओर सो लेटस्ट डिस्कस फर्स्ट फेरस मिनल फर्स्ट फेरस मिनल इज आयरन ओर यहां पर आयरन ओर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया इज एंडोर्ड विद फैमिली अबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर इंडिया इज रिच गुड क्वालिटी आयरन ओर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कशन कि इंडिया के पास बहुत सारे अच्छे आयरन और पाए जाते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के आयरन और पाए जाते हैं द फर्स्ट आयरन और इज मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट इज द रिचेस्ट आयरन और ए वेरी हाई कंटेंट अपटू सेवेंटी परसेंट आयरन अपटू सेवेंटी परसेंट यानी कि जो मैग्नेटाइट है क्वेश्चन क्या बना विच इज फाइनेस्ट आयरन और मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां से आपसे वन मार्क्स में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा विच इज फाइनेस्ट आयरन और वेरी हाई कंटेंट आयरन अप टू सेवेंटी परसेंट यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन और कौन सा जिसमें आयरन के कन सेवेंटी परसेंट से ज्यादा पाए जाते हैं इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी मैग्नेटिक क्वालिटी में भी बहुत ही अच्छा माना जाता है स्पेशली वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए यानी कि जो मैग्नेटाइट आयरन और वो बहुत अच्छा है अब फाइनेस्ट क्वालिटी का तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में तो इसका यूज होगा एंड सेकंड टाइप इज हेमेटाइट हैमेटाइट और इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल और इन टर्म्स ऑफ दी क्वान्टिटी यूज बट स्लाइटली लोअर देन कंटेंट देन मैग्नेटाइट फिफ्टी टू सेवन फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट यहां पर देखिए आप लोग मैग्नेटाइट फाइनेस्ट क्वालिटी का आयरन और है उसके बाद हेमेटाइट की अगर हम बात करें भी इंडस्ट्री में यूज होने वाला बहुत ही इंडस्ट्रियल आयरन और यहां पर क्वेश्चन बना विच इज द मोस्ट इंडस्ट्रियल आयरन और इन टर्म ऑफ क्वालिटी यूज अच्छा माना जाता है इसको भी और इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा हेमेटाइट हम लोग यूज करते हैं

और कुदरे माइंस भी आपने सुना होगा कुदरे मुख माइंड भी आपने सुना होगा कुदरे मुख जो कर्नाटका में लोकेटेड है कुदरे इन कन्नड मीन्स होर्स यानी कि कुदरे जो वर्ड्स है ये कन्नड़ लैंग्वेज का वर्ड है विच मीन्स होर्स जिसका मीनिंग होता है हॉर्स यानी कि कन्नड़ भाषा में कुदरे घोड़े को बोलते हैं हॉर्स को बोलते हैं दी हाइएस्ट पीक अब ये कुदरे वर्ड का रिलेशन किसके साथ है दी हाइएस्ट पीक इन दी वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक रिजेंबल दी फेस ऑफ ए हॉर्स कहते हैं कि जो वेस्टर्न घाट में हमारी सबसे कर्नाटक में जो सबसे ऊंची चोटी हाइएस्ट पीक है रिजेम्बल दर्स कहते हैं कि वो घोड़े के फेस से मिलती जुलती है रिजेम्बल होता है मिलती जुलती है यानी कि उससे बिल्कुल मैच होती है इसलिए इसका नाम रखा गया कुदरे मुख कु मुख मुख का मतलब होता है मुंह और कुदरे का मतलब होता है घोड़ा यानी कि घोड़े के मुख जैसा कर्नाटक यानी कि वेस्टर्न घाट के अंदर जो माइंडस है दैट इज कॉल्ड कुदरे मुख इसलिए उनको नाम देते हैं हम लोग कुदरे मुख आगे पढ़ेंगे आप लोग मेजर आय बेल्ट ऑफ इंडिया में एंड नेक्स्ट वर्ड इज द बेलाडीला 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 मीनस बेलाडीला जो हिल्स है उनको ये नाम दिया गया क्योंकि बेलाडिला का मीनिंग है हम्प ओफेनोक्स यानी कि जो होक्स है होक, ओक्स की हम्प जैसा ना वी हैव डिस्कशन अबाउट द मेजर आयरन और बेल्ट फर्स्ट इज उड़ीसा झारखंड बेल्ट इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइड आयरन और फाउंड इन बदाम पहाड़ माइंड इन मयूरभंज एंड केन्दुजर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट याद रखें आप लोग उड़ीसा में मयूरभंज एंड केन्दुजर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं कि यहाँ पर जो बदाम पहाड़ खाने हैं यहां पर जो माइन आयरन और पाया जाता है वो कौन सी क्वालिटी का पाया जाता है यहाँ पर ज्यादातर हेमेटाइट इन दी एडजोइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट आयरन और इज माइन इन गोवा एंड नवा मुंडी कहते हैं कि गोवा में और नोआ मुंडी में भी क्या करते हैं हम लोग हेमेटाइट आयरन हो रहा है झारखंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का वहां से भी ये निकाला जाता है और इस बेल्ट को नाम दिया गया उड़ीसा झारखंड बेल्ट एंड दी सेकंड बेल्ट इज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र दुर्ग चंद्रपुर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर जो बेल्ट है ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में है वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड इन फेमस बेलाडीला रेंज ऑफ हिल इन दी बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ द रेंज ऑफ हिल कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ऑफ फोर्टीन डिपोजिट यहाँ पर रेंज ऑफ हिल्स ऑफ फोर्टीन डिपोजिट्साई ग्रेड हेमेटाइट ओर कहते कि चौदह किस्म के जो आयरन ओर है वो इसमें शामिल होते हैं इसमें पाए जाते हैं इस रेंज के अंदर इट हैज दस्ट फिजिकल प्रोपर्टी नीडी टू स्टील मेकिंग कहते कि इसकी अच्छी फिजिकल प्रोपर्टी है इसलिए इसको स्टील मेकिंग में यूज करते हैं आयरन ओर को आयरन फ्रॉम धीज माइन इज एक्सपोर्टेड टू जापान साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम बोर्ड यानी कि यहां से हम क्या करते हैं जो आयरन और हम प्राप्त करते हैं उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं जापान एंड साउथ कोरिया को वाया विशाखापट्टनम बोर्ड यानी कि जापान और साउथ कोरिया को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट के द्वारा तो यहां पर ध्यान दीजिए बेटा ये था इसमें सेकंड अपनी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट सो वी हैव डिस्कशन फर्स्ट उड़ीसा झारखंड बेल्ट सेकंड इज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट नाउ वी हैव डिस्कशन अबाउट दी थर्ड बेल्ट बेलारी चंद्रपुर चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी ये बेल्ट कहां पर है बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट ये फोर प्लेसेज एंड दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन मैप मैपर्क चार के चार जो स्थान है वो कहां पर लोकेटेड है कर्नाटका में यानी कि ये जो बेल्ट है बिलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर बेल्ट लाइज इन कर्नाटका जो भी हम आयरन और कर, प्राप्त करते हैं उसको हम लोग हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री को हम लोग क्या करते हैं निर्यात करते हैं इसमें से एक्सपोर्ट करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वो कौन सी आयरन और कौन सी खाना है जहां से हम लोग हंड्रेड परसेंट आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते है तो याद रखे कुद्रेमुक माइन कर्नाटका के अंदर है जहां से 100 परसेंट आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज थ्रू ए पाइपलाइन टू पोर्ट नियर मंगलोनी मंगलुरु कहते हैं कि मंगलुरु के आसपास इसमें कहते हैं कि घोल बनाकर यानी कि इसको द्रव अवस्था में करके पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के द्वारा यानी कि इसे एक स्थान से मंगलुरु तक भेजा जाता है तो ये था इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड है हमारी जो अगर हम बात करें मेजर आयरन और बेल्ट में बिलारी चित्रदुर्ग एंड चिक एंड दी फोर्थ है आयरन और बेल्ट इज महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूडिंग दी स्टेट ऑफ गोवा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र यानी कि इसमें हम लोग लो गोवा को गो इंक्लूड गो गो करते हैं और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र का दो दी आयरन आर नॉट वेरी हाई हाई क्वालिटी येट देट आर एफिशियंट एक्सप्लोइी कहते हैं कि इतनी तो अच्छी क्वालिटी का आयरन और नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग यहां पर एक्सप्लोर करते हैं इसको आयरन और इज एक्सपोर्टेड थ्रो मार्मो गोवा पोर्ट कहते यहां पर ज्यादातर जो गोवा और महाराष्ट्र में गोवा के अंदर एक पोर्ट है दैट इज कोल्ड मारमोगाव पोर्ट मारमोगाव पोर्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे कंट्रीज को करते हैं तो ये थी हमारी अबाउट दिस बेल्ट उड़ीसा झारखंड बेल्ट इन विच हैव टू बी रिमेंबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा मयूरभंज एंड केन्दुजर नेक्स्ट इज दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट विच इज लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र एंड द बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर बेल्ट इन विच कुरेक माइन यू हैव टू बी रिमेंबर लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका आर हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कुदे मुक माइंड मुख का मीनिंग हम लोग जान चुके हैं कुद्रे मीन सोर्स और मुख मीन्स मोह यानी कि घोड़े के मुख जैसा जो वेस्टर्न घाट में हमारी जो एंड नेक्स्ट इज महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट महाराष्ट्र गोवा बेल्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें और अब नेक्स्ट जो फेरस uh, मिनल में हम लोग अगर सेकंड मिनल्स की बात करें दैट इज कॉल्ड मैग्नीज मैग्नीज कहते हैं इसको लो, हम लोग मैग्नीज इज मेनली टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरस मैग्नीज एलो कहते हैं कि ज्यादातर हम लोग स्टील बनाने में फेरस मैग्नीज एलो में हम इसका यूज करते हैं यहां पर देखें मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन नियरली टेन केजी ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफेक्चर वन टन ऑफ स्टील कहते हैं कि टेन के जी मैग्नीज है जो वो रिक्वायर्ड होता है एक टन स्टील बनाने के लिए तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा हमारा कि एक टन स्टील बनाने के लिए कितना मैग्नीज जो मैग्नीज मेंग, है वो कितना रिक्वायर्ड होता है टेन के जी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है यहां पर ध्यान दीजिए इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर इन सेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स कहते हैं कि मेनली हम लोग यूज करते हैं मैग्नीज का ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो इनसेक्टीसाइड्स in होते हैं एंड पेंट्स होता है पेंट्स बनाने में इसका हम लोग बहुत अधिक मात्रा में यूज करते हैं अब बात करते हैं भाई मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट कौन सा दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज और इन इंडिया कहते कि इंडिया के अंदर उड़ीसा को सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है इट अकाउंटेड फॉर वन थर्ड कहते हैं कि जो इंडिया के अंदर हम मैग्नीज़ प्रोड्यूस करते हैं अकेला वन थर्ड पार्ट कौन प्रोड्यूस करता है अकेला उड़ीसा प्रोड्यूस करता है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज़। दैट इज सेकंडल्स वी हैव टू बी कोल्ड फेरस मिनल दैट इज मैगनीज सो वी हैव स्टडी अबाउट मैगनीज इन दिस इन नेक्स्ट वी हैव आल्सो स्टडी अबाउट नॉन फेरसमिनल सो वी हैव डिस्कसन इन शोर्टली हेयर नॉन फेरसमिनल नॉन फेरसमिनल आर दोनल दैट इन विच आयरन और डू नॉट कंटेन यानी कि ऐसे मिनल जिसमें लोहे के कंटेंट नहीं पाए जाते हैं लोहा नहीं पाया जाता लोहे के अंश नहीं पाए जाते दो मिनल इज इन विच डू नॉट कंटेन आयरन और इज टू बी कॉल्ड नॉन फेरस मिनल इंडिया रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनल्स इज नॉट वेरी सैटिस्फैक्ट्री यानी कि इंडिया के अंदर जो भंडार हैं जो हम उत्पादन करते हैं नॉन फेरस मिनल का इतना ज्यादा सैटिफैक्ट्री नहीं है दीज मिनल्स विच इज इंक्लूड कौन कौन से मिनल्स आते हैं नॉन फेरस में कॉपर है बोक्साइट है लीड है जिंक है गोल्ड है प्ले ए वीटल रोल इन नंबर ऑफ मेटोलिक इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कहते हैं कि की जो हमारे इंजीनियरिंग उद्योग है और बिजली उद्योग है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेटेस्ट स्टडी दी कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइड। आओ यहां पर हम डिस्कस करते हैं पर एंड बॉक्साइड तो डिटेल से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे कोपर के बारे में. Okay, students, आप लोग पढ़े इनको चैप्टर को अच्छे तरीके सेव टू बी रिमेंबर सेल्फ नोट्स सेल्फ नोट्स सेल्फ स्टडी इज दी यू मस्ट है इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्वेरी मी यू कैन कॉल मी Uh, in next videos, we have studied about non ferrous mineral, copper, and bauxite. Ferrous mineral and non ferrous mineral topic is going on. So, students, be careful and be attentive. Hope you are good students and you can do everything. Okay, student. Thank you.